नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं इसके पिछले वाले वीडियो में लेसन 4 का ABC तीनों को मैं करवा चुका हूँ। टुडे डे नंबर को करवा रहे हैं Name the following. कुछ ऐसे दिए गए हैं, उनके नाम को लिखना है। जैसे नेम द फॉलोइंग थिन ईस्टर्न डिस्टेंस क्रिएट फ्रॉम नेचुरल मेटेरियल और बाय केमिकल प्रोसेस, यानी जिसपे क्रिया के माध्यम से थिन ईस्टर्न्स क्रिएटेड किए जाते हैं, उसे हम फाइबर्स कहते हैं। जो मैंने फिल ब्लैक्स करना है, मैंने इसे उसी को लिख दिया है। आप लोग अपनी बुक से इसे लिख लेंगे। सेकेंड नंबर है प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी वह प्रक्रिया बतानी है जिससे यार्न तैयार किए जाते हैं। इसका नाम स्पिनिंग। स्पिनिंग के माध्यम से हम यार्न तैयार करते हैं। वो ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में द प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज मेड फाइबर यूजिंग लूप्स, ये वेविंग के माध्यम से किया जाता है, वेविंग। एंड फोर्थ नंबर है स्वेल इन ह्यूज कॉटन रोज, ऐसी मिट्टी जिनमें कॉटन को तैयार किया जाता है, ये है ब्लैक स्वेल। ब्लैक स्वेल में कॉटन के पौधे उगाए जाते हैं। एंड फाइव नंबर है प्लांट फ्रॉम विच सिल्क कॉटन इज एपेरेंस, यानी ऐसे पौधे फ्रॉम विच सिल्क कॉटन। फाइव नंबर है प्लांट फ्रॉम विच सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन्ड सिल्क वर्म, ये आपके सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड ई नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट बहुत कम शब्दों में इसे उत्तर को देना है। राइट टू एग्जाम्पल फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दो दो एग्जाम्पल आपको देने होंगे। जूट ग्रोइंग कंट्रीज, ऐसे देश जिसमें जूट की खेती की जाती है, जूट ग्रोइंग किया जाता है, ये आपका सुंदरवन है, डेल्टा इन इंडिया, सुंदरवन डेल्टा इन इंडिया में, एंड बांग्लादेश, ओके। एंड बी नंबर है यूजेज ऑफ जूट, यूजेज ऑफ जूट, जूट का उपयोग मेकिंग रोप बनाने के लिए एंड बैग बनाने के लिए किया जाता है। सी नंबर है सिंथेटिक फाइबर्स, ये नायलॉन है एंड नायलॉन। फाइव नंबर एफ नंबर है क्वेश्चन व्हाट इज फाइबर, व्हाट इज फाइबर, आंसर लिखा है एनी क्लोथ मेड फ्रॉम योर और फाइबर्स बाय वेविंग नेटिंग और फेल्टिंग इज कॉल्ड फाइबर्स, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज फैब्रिक, फैब्रिक क्या है, फैब्रिक आर मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड यार्न, एंड यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स और फैब्रिक्स, ओके। आज इतना ही रहने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लिखवाएंगे।